सर थोड़ा फेस कर लिया इसलिए लाइट अच्छा है या हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू सर एक एक हाथ में केक ले लो मैडम आप आओ हाँ मैम या सर या मैम या बाबू या ये मी एबीया ये दे योर सोलो वन सेकंड ये योर सोलो वन सेकंड सोलो सोलो या इन इन सर या नहीं सर ये वेज नहीं है नॉन वेज है क्या बात कर रहे हो हाँ वेज है नॉन वेज है वेज है आप ठीक है ओके वेज ठीक है कंफर्म कर रहा था अरे बस बहुत बहुत शुक्रिया हाउ डू यू सी दिस ये जो दिन होता है पूरा साल हम वेट करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डे हैप्पी बर्थडे टू यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस बर्थडे किस तरह से स्पेशल है मैं तो वाकई में यू नो प्रोफाउंड नहीं साउंड करना चाहता बट मेरे लिए तो हर दिन स्पेशल है क्योंकि मैं अपने आप को ब्लेस मानता हूँ कि मैं अपने माँ अपने पिताजी के साथ हूँ अपने भाई के साथ हूँ मेरी बेटी है मेरी बीवी है मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ तो बहुत ही खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया बट साथ साथ जाहिर सी बात है आज का दिन बहुत स्पेशल रहता है हर कोई अपने बर्थडे को स्पेशल मानता है और पूरे साल लोगों की तरह मेरे परिवार की तरह मैं भी इस दिन का इंतज़ार करता हूँ साल का शुरुआत ही यू नो बर्थडे से होता है और एक सेलिब्रेशन हुआ नहीं कि दूसरा होने लगता है तो इन अ वे इट्स अ नाइस एक्सटेंशन बट यू नो आई जस्ट फील ब्लेस्ड दैट आई हैव सो मच लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल फ्रॉम द फ्रेंड्स फैमिलीज फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हू पोर इन सो मच लव तो मुझे खास तौर पे इस दिन का इंतज़ार इसलिए रहता है ताकि ये एक दिन मैं अपने फैंस के साथ आप लोगों के साथ अपने परिवार के साथ यू नो अपने हिसाब से जुड़ा रहूं और उनसे बात कर पाऊं जी साल की शुरुआत अगर मैं बताऊं पिछले साल एक म्यूजिक एल्बम आया था आपका जी काफी हिट हुआ था जी इस साल किस तरह से 2024 हाउ डू यू सी प्रोफेशनल वाइज 24 इज लुकिंग वेरी एक्साइटिंग मैंने हाल ही में एक फिल्म कंप्लीट की है नाम नहीं ले पाऊंगा बट बता सकता हूं इतना कि उनके निर्देशक हैं अश्वनी धीर सर आर माधवन जी के साथ कीर्ति कुलाड़ी जी हैं उस फिल्म में तो ये फिल्म हाल ही में कंप्लीट हो चुकी है बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी और बस अभी रिसेंटली मैंने एक वेब शो अपना पहला वेब शो
शुरू किया है, बॉम्बे में उसकी शूट चालू है, और साउथ में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म कर रहा हूँ मायावन करके संदीप किशन जी के साथ. तो लुक्स एक्साइटिंग ईयर अप फ्रंट, वर्क वाइज ऑल्सो लुक्स पॉजिटिव. कोविड के बाद थोड़ा इंतज़ार किया मैंने कि कुछ एक्साइटिंग काम आप लोगों के साथ कर पाऊँ और कुछ यूनिक कहानियों के साथ आ पाऊँ. तो आई थिंक ये जो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, दे आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटिंग. स्पेशल अपने में काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम देख रहे हैं इस जनवरी महीने में 22 तारीख को इनॉग्रेशन हो रहा है राम मंदिर का. बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर का मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा. पहली बात तो कि मुकेश परिवार, हम सभी रामायणी हैं और बहुत बड़े राम भक्त हैं. मैं खुद हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ. मैं हर दिन, ऐसा कोई एक दिन नहीं जो मैं अपनी हनुमान चालीसा नहीं करता. मैं हर दिन अपने डिनर के पहले अपना पूरा दिन जब हो जाता है, नहा धो के अपने मंदिर में बैठता हूँ, मेरे हनुमान जी के पास बैठता हूँ. और ये तो शायद बहुत मेरे फैंस भी जानते हैं, कभी कभी मैं सहारनपुर हनुमान जी पहुँच जाऊँगा, मैं शिमला पहुँच जाऊँगा, जाकू मंदिर चला जाऊँगा, सीधी रोड पे मेरे हनुमान जी का मंदिर है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ. तो हमारे लिए बहुत ही शुभ एक दिन मैं मानता हूँ 22 तारीख को. आज ही मेरे जन्मदिन पे अगर मैं बड़ी छोटा मुँह बड़ी बात बोलना नहीं चाहता, बट अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि आज के पावन अवसर पर और अपने जन्मदिन पर मैंने अपने पिताजी के लिए अयोध्या में जाकर एक छोटा सा एक लैंड खरीदा है, ताकि हम भी उस धरती से जुड़ पाए जिस धरती से हमारा इतने हमारे राम जी और सब जुड़े हुए. तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है हम सब के लिए. बहुत ही हम इस मोमेंट को ऑब्वियसली बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, और बस ऊपर वाले से मैं कृपा करता हूँ कि मुझे वो शक्ति दे, हनुमान जी शक्ति दे मुझे कि मैं मेहनत कर पाऊँ, अपने परिवार का की देखभाल कर पाऊँ, अपनी बच्ची की रक्षा कर पाऊँ, और अपनी माँ बाप की जितनी सेवा हो सके मैं कर पाऊँ. जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सर. थैंक यू. गॉड ब्लेस.